नागपुर शहर के यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक युवक पर पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने धारदार शस्त्र से वार कर युवक को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत लाड़े फर्नीचर के पास कुंदन लाल गुप्ता नगर में एक व्यक्ति पर उसी के भाई के बेटे ने जानलेवा हमला कर दिया। पुराने विवाद के चलते जख्मी खुशहाल निखारे उम्र 36 वर्ष ने पूर्व में थाने में शिकायत दर्ज की थी। इसी बात को मन में रखकर दोबारा रविवार को आरोपी निकेश शाहू 23 वर्ष ने बस्ती के ही कॉरपोरेशन के पास अपने चाचा पर धारदार हथियार से हमला कर उसे जख्मी कर दिया और घटनास्थल से फरार हो गया। जख्मी को उपचार के लिए मेयो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी निकेश शाहू के खिलाफ यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन में धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की जाँच पुलिस कर रही है। पुलिस स्टेशन यशोधरा हद्दी मध्ये काल दिनांक 17 तारीख सायंकाळी 9:30 दरम्यान फिर्यादी कुशाल लक्ष्मण निखारे राहणार कुंदनलाल गुप्ता नगर हा पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार दिली आहे की मला डोक्यावर जीवाने ठार मारण्याच्या उद्देशाने आरोपी निकेश बलराम शाहू यांनी जुन्या वादाच्या कारणावरून मारहाण केली आहे। त्याला फिर्यादीचा उपचार वगैरे करून पोलीस स्टेशनला 307 बहादरीप्रमाणे गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे। त्याच्यात आरोपीला आम्ही ताब्यात घेतलं आहे आणि पुढील तपास चालू आहे। फिर्यादीमध्ये सदर फिर्यादी आणि तर एकच आरोपी सांगितलं आहे, पुन्हा तपासात निष्पन्न होईल, तपास सुरू आहे। तपासात जर आरोपी संख्या वाढली तर फिर्यादी आणि आरोपी एकाच वस्तीत राहणारे आहे, त्यामुळे त्यांचं जर मागील 1 महिन्यामध्ये काही छोटासा वाद झाला आहे, पोलीस स्टेशनला NCC दाखल आहे, त्यावर प्रतिबंध झाली आहे, त्या कारणावरून त्यांचा वाद झाला। आरोपी निकेश बलराम शाहू वय 21 वर्ष, त्याचा कामधंदा मजुरीचं आहे, त्याच्यावर गंभीर गुन्हे वगैरे नाही आहे। NBC News के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहीन पठान की रिपोर्ट।